कैपाडोकिया की हिस्ट्री क्या है, ये शहर है या क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। और जिस तरह की जगह है उसके लिए 15 यूरो जो उनसे वो बहुत ज़्यादा है, पूरे लव वैली का व्यू ले सकते हैं। और कल से हम लोग पूरे गोरेमे में खाना ढूंढ रहे थे। आज के दिन की हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो पिजन वैली है। रात को यहाँ का बाजार बहुत ही प्यारा दिखता है लाइटिंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मैं बहुत ही अरसे से तुर्की को एक्सप्लोर करना चाह रहा था और मुझे ये मौका आज मिला है। मैं तुर्की के एक बहुत ही मशहूर शहर कापाडोकिया में मौजूद हूँ। बहुत से लोग इसको शहर कहते हैं लेकिन ये शहर नहीं है, जैसा कि मैंने भी शहर बोला है और गलत बोला है। इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कापाडोकिया शहर है या नहीं। तो मैं तो हो गया हूँ रेडी, जैकेट मैंने पकड़ लिया, मेरे पीछे बिल्कुल ये हमारा होटल है और ये जो इलाका है ये गोरेमे इलाका है। तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि होटल इधर कैसे बुक करना है, और गाड़ी की भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बता दी हुई है कि कापाडोकिया में आते हुए आपको अपनी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे पास 2 दिन हैं कापाडोकिया को एक्सप्लोर करने के लिए, तो 2 दिन आप लोगों के साथ मैं रहूँगा, सारा कापाडोकिया दिखाऊँगा क्या है। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ के अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगा हूँ, जो कि एक ओपन एयर म्यूज़ियम है गोरेमे में, वो हम देखेंगे। और रास्ते में जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कापाडोकिया की हिस्ट्री क्या है, ये शहर है या क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। और नाश्ता वगैरह जो है वो भी हम लोग कर चुके हैं होटल से। चलें अपनी पहले डेस्टिनेशन की तरफ चलें। कापाडोकिया तुर्की का एक रीजन है जिसमें तुर्की के 5 सूबे लगते हैं। कापाडोकिया एक फारसी जबान के लफ्ज खापाटोकिया से निकला है, जिसका मतलब है खूबसूरत गोरों की सरजमीन। कहा जाता है कि तकरीबन 3 मिलियन साल पहले यहाँ पे पहाड़ों में लावा फूटा था, जिसकी वजह से पहाड़ टूटकर मुख्तलिफ चट्टानों की शक्ल में बन गए थे। और इस इलाके में आपको अभी भी उन चट्टानों में उन लोगों के घर नजर आते हैं, और जो खिड़कियां वगैरह आप लोग देख सकते हैं इन चट्टानों में, वो उस ज़माने की हैं। और उस लावा फूटने की वजह से यहाँ पे बहुत से अंडरग्राउंड गार बन चुके थे, जहाँ पे कदीम ज़माने में लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही एक गार की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं, जो कि आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन है, और ये गोरेमे में ओपन एयर म्यूजियम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कापाडोकिया एक रीजन है, सिटी नहीं है, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मेरी वीडियो से मिली होगी। खैर, ड्राइव करते हुए हम अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ आ गए हैं आज की। तो ओपन एयर म्यूजियम है ये, पार्किंग जो है वो बिल्कुल इसके एंड तक नहीं लेके जाती, तो इसलिए हमने गाड़ी पार्क पीछे कर ली, अभी 4 मिनट की वॉक है। ओपन एयर म्यूजियम की टिकट 15 यूरो है, और ये एरिया सन 1985 से यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कापाडोकिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 3री और 11वीं सदी के दौरान जो लोग यहाँ पे रहते थे, उन लोगों ने इस एरिया में बहुत से गारों के चर्च बनाए, और यहाँ पे वो रिलीजियस एजुकेशन देते थे लोगों को, इसलिए आपको ये चर्च एक जैसे नज़र आएंगे। इस म्यूज़ियम में आप सर्टन जगह में अंदर जा सकते थे, लेकिन कुछ चर्च की एक्स्ट्रा प्राइस थी जिसमें मैं नहीं गया। अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर से वीडियोस नहीं बना सकता था, ये अलाउड नहीं था। अगर आप लोग हिस्ट्री पसंद करते हैं तो आपको ये जगह विज़िट करनी चाहिए, और ये एक मस्ट विज़िट एक्टिविटी है कापाडोकिया में। आप लोग इधर सही तरीके से टाइम स्पेंड करें तो तकरीबन 3 से 4 घंटे आप इधर स्पेंड कर सकते हैं। चलें आप लोग इस ओपन एयर म्यूज़ियम को इंजॉय करें। गोरेमे का ओपन एयर म्यूज़ियम देख लिया हम लोगों ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया, ठीक है बस जगह। इसकी जो टिकट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तकरीबन 15 यूरो लगते हैं। और जिस तरह की जगह है उसके लिए 15 यूरो जो उनसे वो बहुत ज़्यादा है। इस 15 यूरो में अगर आप यूरोप में कंपेयर करें तो आप बहुत ज़्यादा जगह देख सकते हैं। जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में या स्पेन वगैरह में आपको 15 यूरो में किसी भी बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन की टिकट मिल सकती है। तो फिर भी अगर आप लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं,
लेकिन ये जगह इस प्राइस पे के लिए वर्थ इट नहीं है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देख ली हैं तो इधर ना आइएगा, वही व्यूज़ आपको इधर से मिलेंगे। या आप टिकट जहाँ से मिलती है उसकी एंट्री से पहले ही ऊपर आके इधर पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, बाकी अंदर से सारी चीज़ें वो लगती हैं। और सबसे बड़ा मसला, कुछ चर्च इसमें ऐसे थे जिसके अंदर आप जा सकते थे लेकिन वीडियोस नहीं बना सकते थे, और कुछ चर्च की एक एक्स्ट्रा टिकट थी जो आपको पे करनी पड़ती थी, वो भी तकरीबन 10 यूरो की थी। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन लव वैली की तरफ चल रहे हैं, उधर मुलाकात होती है आपसे। लोग मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा लव वैली का हिस्सा है। नीचे जाके आप हाइकिंग भी कर सकते हैं लेकिन उसका रास्ता दूसरा है। गूगल में लोकेशन देने के बाद वो हमें इसके व्यू पॉइंट पे लेके आया है जो कि काफ़ी ऊपर है, उधर से आप पूरे लव वैली का व्यू ले सकते हैं। और इधर बहुत से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, कैफ़े हैं। इधर आने की जो सी प्राइस है वो सिर्फ 20 लीरा थे और वो भी कार पार्किंग। अगर आप नीचे जाके हाइक करना चाहते हैं तो शायद उसकी कोई एंट्री फीस हो तो वो आप कर सकते हैं। हमारे लिए ये व्यूज़ जो है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। इधर से आप सारा इसका व्यू देख सकते हैं तो नीचे जाके हाइक करने का तुक नहीं बनता। इधर से मैं ड्रोन भी उड़ाता हूँ, आपको ड्रोन के शॉट्स भी दिखाऊंगा। काफ़ी जगह एक्सप्लोर करने के बाद हमें भूख लगी थी तो हमने रेस्टोरेंट पे आए थे कैपाडोकिया कुज़ीन में। गूगल में इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे तो इसलिए हम इधर आए थे, खाना वगैरह खाया। और कल से हम लोग पूरे गोरेमे में खाना ढूंढ रहे थे तो एहतिशाम भाई से भी बात करते हैं। एहतिशाम भाई थोड़ी सी सजेशन दे दें व्यूवर्स को कि खाने के बारे में, आप तो तुर्की में ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं तो कैसा इधर ढूंढना चाहिए और कैसा बजटेड अच्छा खाना मिल सकता है, और आपको यहाँ की प्राइस कैसी लग रही है यूरोप के मुकाबले में? मेरे ख्याल से अगर आपने इनकी मेन कुजीन खानी है ना, क्ले पॉट्स में, अगर लैम में, बीफ में, चिकन में, किसी भी टाइप में, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको क्या रोटियाँ में ये करना चाहिए। इसके मोड में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेगी क्योंकि हमने वहाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छा खाना। सही, यहाँ पे भी ठीक है लेकिन वैसा मतलब इस्तांबुल के लिए मैं रेडी हूँ। हाँ, इस्तांबुल तो। लेकिन आप प्राइजेस के बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे पर्सनली यहाँ की प्राइजेस बहुत हाई लग रही हैं। कैपाडोकिया में किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ बहुत हाई हैं, पता नहीं। लेकिन यूरोप में ऐसा आई डोंट नो, मैं 2 साल से यूरोप में रह नहीं रहा, शायद मुझे इसलिए फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ यूरोप से जब मैंने छोड़ा था तो उस वक्त के से भी ज़्यादा की प्राइजेस इधर हैं। सही है, यूरोप में भी इसकी प्राइस। आज के दिन की हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो पिजन वैली है, तो उधर चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं, देखते हैं कैसी लगती है।
पिजन वैली में बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने पहला काम ये किया है कि होटल में आके मैंने जैकेट पकड़ी है ताकि अपने आप को कवर करूँ। फैशन तो होते रहेंगे, अगर बीमार हो गया तो तुर्की को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। हमारा जो सा होटल है वो डायरेक्ट मेन सिटी गर्मे के अंदर है, तो जैकेट मैंने पकड़ लिया है। और रात को यहाँ का बाज़ार बहुत ही प्यारा दिखता है लाइटिंग के साथ। तो अभी हम बाज़ार की वॉक करते हैं, आप लोगों को इसका खूबसूरत बाज़ार दिखाते हैं। तो गोरेमे का खूबसूरत बाज़ार देखने के बाद हम लोग अब खाना खाने आ गए हैं। अगर आप लोगों ने स्विनियर्स लेने हैं अपने रिलेटिव्स के लिए तो आप इस बाज़ार से ले सकते हैं। और ये बाज़ार शाम को घूमने का ज़्यादा मज़ा आता है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। सर्दियों में इधर सोच समझ के आइएगा अगर आप ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये था कपाडोकिया में मेरा आज का दिन। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो के साथ अगले दिन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.